जनपद के सभी एडीओ पंचायत, वीडियो सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत अधिकारी की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, उप श्रमायुक्त अनिल कुमार सिंह, पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर, विकलांग कल्याण अधिकारी मीनू सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री के प्राथमिकताओं में शामिल स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण, मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि सभी गांवों को ओटीएफ मुक्त कराना शासन की योजनाओं में शामिल है, इसलिए इस काम में कोई लापरवाही ना करे, मनरेगा के तहत काम कराएं जिससे गांव वालों को रोजगार मुहैया हो सके। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, तो वहीं जो कर्मचारी कार्यों में लापरवाही कर रहे हैं उन्हें दंडित किए जाने का काम किया जाएगा। डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो कर्मचारी काम नहीं करना चाहते हैं वह नौकरी छोड़ दें। डीएम ने कहा कि शासन की योजनाओं को समय से पूरा करें, गांव में घर घर जाकर शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा करें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें या उनकी मेड़ों पर आप कोई इमारती कीमती लकड़ी वाले जैसे साखू, सागौन, इस तरह के पेड़ आप उनमें शीशम, इनका सबका आप रोपण करवा सकते हैं। जिम्मेदारी उस लाभार्थी की होगी, लगवाने का जो भी खर्चा होगा, गड्ढे की खुदाई, उसको रोपित करने का खर्चा और जिसके अंतर्गत लाभार्थी का चयन किया जाना है वो भी लगभग आप जानते हैं। शिड्यूल मनरेगा योजना में अनुसूचित जात के लाभार्थी, अनुसूचित जनजात के लाभार्थी, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास अथवा चिन्हांकन करवा लीजिए, उनके गड्ढों की तैयारी हमें पहले करानी पड़ेगी, उनके संबंध में जो किस प्रजाति के कौन से पौधे वो रोपित करेंगे इसकी डिमांड समय रहते आ जाए, ताकि हम उद्यान विभाग और वन विभाग को उसकी उपलब्धता उसको उपलब्ध करा दें और ये भी सुनिश्चित कराएं कि जो उनकी नर्सरियां हैं, उद्यान विभाग की नर्सरियां अथवा वन विभाग की नर्सरियां, वहां पर वो पौधे उपलब्ध हों और जो आपके विकासखंड के आसपास की उनकी नर्सरियां हैं वहीं से स्थानीय स्तर पर आपको उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके। तो वृक्षारोपण का कार्य हमें आगे चल करके कराना है, इसके लिए बहुत अच्छी योजना है और इसमें मेड़ों पर जो किसानों के मेड़ों पर साखू, सागौन, शीशम, यूकेलिप्टस या जो भी पौधे वो लगवाना चाह रहे हैं आप लोग देख लीजिए, उनकी सहमति ले लीजिए, उनसे उनका कंसेंट ले करके उनसे एक आवेदन प्राप्त कर लीजिए कि हमारा ये डाटा संख्या है, हमारी कुल इतनी भूमि है, इस पर हमें ये फला प्रजाति के पौधों का रोपण कराना है और हमें इतने पौधों की यहाँ पर रोपण कराने की आवश्यकता होगी, इसका हमें इसके संबंध में हमें आवश्यक जो भी निर्देश है शासन के उसके अनुसार लाभ प्रदान किया जाए। उसके बाद फिर आप वहाँ पर अपने तकनीकी सहायक को भेज करके उनका एक एस्टिमेशन करवा लीजिए और एस्टिमेशन करवा के आगे कार्रवाई प्रारंभ करवा लीजिए, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बात मैं सबके लिए बता रहा हूँ। रोजगार दिवस महीने के प्रथम तारीख और 15 तारीख को होना है और ये वीडियोस और सभी सेक्रेटरीज की जिम्मेदारी होगी कि इसका सफल क्रियान्वयन हो और फोटोज आप अपने वीडियोस के माध्यम से डीसी मनरेगा साहब द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप है गोरखपुर का, उसमें भेजेंगे। ये काम बिल्कुल ही सीरियसली होना है। इसी क्रम में बांस गांव में बैठ जाइए, बांस गांव में 30 ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जहां पे 100 मानव दिवस से कम अभी तक सृजित हुआ है, जबकि मनरेगा के लिए दो सबसे जो महत्वपूर्ण महीने होते हैं वो निकल गए, तो ये प्रस्तावित करके वहां से लेके आए तो फिर ब्लॉक में फीडिंग करके निकाल देते हैं। बाकी आपके स्तर से किसी भी प्रकार का प्रयास इसमें नहीं दिख रहा। इसी तरीके से बरलगंज में हमारे 33 ऐसे गाँव हैं, इसमें माई धारा के कौन है सेक्रेटरी, माई धारा सब कायम है, ठीक है, निकल गया नहीं, दो महीने लेकिन आपको लगे तो बड़ा दुखद है सर। अगर आप गांव में गए होते तो ये पहले चिन्हित तो होकर शुरुआत हो जाता है। मेन समस्या यही है, बैठ जाइए, मेन समस्या यही है। लास्ट टाइम भी पिछले वर्ष की शुरुआत में मैंने कहा था कि जब तक आप तो गांव में नहीं जाएंगे तब तक कार्य कोई भी नहीं होगा, तब तक सारी योजनाएं सिर्फ वही प्रधान के आशीर्वाद से चलेगा, उसकी इच्छा हुई, उसने सहयोग किया तो फिर वो काम होगा, नहीं किया तो फिर नहीं होगा। तो ये नहीं होना चाहिए, आप लोगों को नहीं होता काम हो जाता है शुरू, और पिछले 3-4 दिनों से काफी जगह पे शिकायतें आई हैं और जब वहाँ मौके पे जाओ तो वहाँ पे जेसीबी मशीन या किसी तरीके से मशीनरी यूज हो रही होती है। ये बहुत दुखद है क्योंकि मनरेगा के कार्य का मुख्य उद्देश्य जो है
वो वहाँ पे कार्य करवाना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे रोजगार देना है। अगर जैसे भी इससे काम करवा देंगे तो फिर तो वो पूरा पर्पज ही डिफीट हो जाएगा, उसे तो अच्छा है कि वो कार्य ही ना हो। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि बिना आईडी जनरेशन के गांव में कोई कार्य प्रारंभ ना हो, सभी वीडियो इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर इस प्रकार की कोई शिकायत हम तक आती है, इसका अर्थ ये है कि पहले शिकायत आपके पास गई थी, आप लोगों ने नजरअंदाज किया, इसलिए शिकायत हमारे पास आई। तो ये देख लें इस प्रकार की शिकायत कहीं भी ना हो कि बिना। कुछ ब्लॉकों में बहुत अच्छा काम हुआ, इसका मैं नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे हमारे कौड़ीराम में अच्छा काम हुआ। कौड़ीराम अभी ODF के निकट है, लेकिन अभी ODF हो नहीं पाया है। उसके अलावा पाली में अच्छा काम हुआ, पाली भी हमारा ODF के निकट है, लेकिन अभी भी निकट ही है, अभी हो नहीं पाया है। अच्छा, तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इसके अलावा सहजनवा में भी अच्छा काम हुआ है, सहजनवा ब्लॉक में भी ODF का काम ठीक है, पिपरौली में अच्छा काम हुआ है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे ब्लॉक हैं जैसे गगहा है, बरलगंज है, इसके अलावा कैंपियरगंज, जंगल कौड़िया, ये 4-5 ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें अभी तक जो शौचालय का कवरेज है वो मात्र अभी 50% के आसपास या उससे भी कम है। तो DM साहब के निर्देशानुसार प्रत्येक ब्लॉक में 10 अच्छे गांव और 10 बुरे गांव को चिन्हित किया गया है, जिससे कि अच्छे गांव को हम गवाही दे सके और बुरे गांव को उनके सेक्रेटरीज को यहां पे चिन्हित कर सके कि आखिर वो कौन है। सचिव साहिबान आप लोग आए होंगे मीटिंग पे, मीटिंग पे स्वागत करता हूँ। मीटिंग अर्जेंट मीटिंग भी है, बहुत जरूरी मीटिंग भी था। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो जानते हैं 3,310 गांव है वैसे। उससे हम लोग कोशिश करने के बाद भी अभी मुश्किल से 900 से 1,000 के बीच में होने को पाया। 4%, 5% ऐसे भी प्रगति है, कुछ गांव में 100% भी हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कौन ऐसे सेक्रेटरी है, मतलब काम में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे, और जानना चाहता हूँ ऐसे कौन सेक्रेटरी है अपने काम से ज़्यादा हट के तो बहुत मेहनत करते करें, ताकि आप पहचानना बहुत जरूरी है। ताकि आप जानते हैं CM साहब ने टारगेट हम लोग को पिछले साल दिसंबर तक दिए हैं, पूरे जनपद तक खुले में शौच मुक्त कराने के, ODF कराने के, मतलब किस्ते इस साल आ गया, मतलब किस्ते इस साल मार्च तक था, उसके बाद फिर बढ़ गया। अब फिर September 30 तक हम लोग उनसे मांग किए थे अगस्त में किसी भी सूरत में डिक्लेयर होना, यानी सितंबर तक कम करेंगे, तब वो टीम आएगी जाँच करेगी, तब डिक्लेयर हो पाती है अगस्त में। ये हम लोग का सितंबर का टारगेट है। अब मान लीजिए हम लोग मई महीने में बैठे हैं, जून जुलाई बस 2 ही महीने बचा है। अब 2 महीने में आप जानते हैं तो June 15 के बाद फिर मानसून भी सेट हो जाता है, उसके बाद 1-2 महीने जनपद में जल भराव स्थिति रहती है। तमाम जनपद मान लीजिए 700 गाँव यहाँ डूबा रहता है, पिछले साल तो 700 गाँव डूबी हुई। मान के जाइए जुलाई में काम होना मुश्किल है, जो काम होता ना अभी मुश्किल से हम लोगों के पास 1 महीने हाथ पे इस समय में खींचना होगा, उसके बाद आप हाथ पैर भी मारेंगे तो नहीं हो पाएगा, कुछ काम नहीं हो पाएगा। अब मैं इसलिए तो मैं ये मीटिंग में जो आए हैं कितने लोग सीरियसली लें, ताकि बाई नेम मैं आपसे परिचय करूंगा, आपका काम के हिसाब से फल मिलेगा आपको, आप काम मेहनत करोगे मैं आपके साथ हूँ, आपका आगे तक लेके चलूंगा। बट अब काम करने के लिए तैयार नहीं तो कृपया करके आपका हाथ जोड़ने में निवेदन करता हूँ, आप कृपया करके नौकरी छोड़ दें, नहीं तो हम लोग को कुछ ना कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा आप लोगों को, अच्छा नहीं लगेगा।